हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो पहले आप सबको मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो आज हम जा रहे हैं छतरपुर मंदिर, तो वहाँ पे हम जाके उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप सब मेरे इस ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो चलते हैं। गाइज, हम लोग आ गए हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर ही है और यहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है। अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं जाना तो यहाँ पे ई रिक्शा भी मिलती है। तो गाइज, अभी हमें छतरपुर मंदिर के बाहर और यहाँ पे मूर्ति लगी हनुमान जी की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़े से दिखती रहोगे और हम यहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं। गेट नंबर 3 है, तो चलो अंदर चलते हैं और घूमते हैं, मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और दर्शन लेते हैं भगवान जी। तो गाइस, चलिए अब इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये मंदिर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे स्थल पे आने वाला मंदिर है। पहले ये पहले स्थल पे आता था बट अब अक्षरधाम मंदिर बन गया तो ये दूसरे स्थल पे आता है और ये सुबह के 5 बजे से रात की 9:30-10 बजे तक खुलता है। तो चलिए अंदर का व्यू कवर करते हैं और दर्शन भी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे इस मंदिर के दर्शन के लिए बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं, अभी तो भीड़ कम है, वैसे नवरात्र में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और वहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है जिसको भंडारा भी कहते हैं। तो पहले भंडारा खाना है, हाँ तो चलो पहले दर्शन करते हैं। यहाँ का व्यू देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मंदिर पता नहीं है कि जूते कहाँ पर उतारते हैं, तो हम लोग मंदिर के इधर ही जूते रख रहे हैं। जूते चोरी तो नहीं होंगे? ले जा, मैं तो वैसे ही गरीब हूँ। मैं भी तो मैं भी किसी और को उठा ले जाऊंगा। नए जूते मिल जाएंगे फ्री में। और यहाँ पे शेर की मूर्ति है जिस पे लिखा है कृपया इसे छुए ना, और यहाँ पे आप देख सीख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबको प्यार का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी है, तो चलिए उनका भी दर्शन लेते हैं। गाइज, ये मंदिर श्री नागपाल जी ने बनाए हैं और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, तो चलो अंदर चलते हैं। हम लोगों ने इस मंदिर के दर्शन ले लिए हैं और आप सबने भी ले ही लिए होंगे। और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे नागपाल जी की मूर्ति है, वो सामने है, वहाँ पे दूसरे मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा, वो मंदिर है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। जल्दी जल्दी पहन अंजलि। बस पहन दो, हमारे जूते नहीं चोरी हुए हैं ये। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है, बात 2 बजे फिर वो भंडारा खत्म हो जाएगा। इसकी नजर भंडारे पे है। अच्छा हुआ हमारे साथ गौरव नहीं है। हाँ, वरना पहले होता तो पहले चलो ना, पहले खा लेते हैं। नहीं याद नहीं है वो वाला सीन। अच्छा हाँ, इस्कॉन टेम्पल गए थे जब हम। गाइस यहाँ पे शूज रिमूव कराते हैं, हम भी जा रहे हैं, यहाँ पे शूज रख देंगे। आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चलते हैं पूछते हैं। यहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हो, अब भीड़ लगने शुरू हो गया है। 2000 years later. पूरे 10 मिनट के टाइम के बाद हमें टोकन मिला है 282। क्या क्या, एक मिनट रिपीट करिए, रिपीट। 282। अरे वाह, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, वाह वाह, वेरी गुड। तो गाइज, यहाँ पे चुन्नी बांधकर मन्नत मांगी जाती है। यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, आप सब देख ही सकते हो।
और हम मंदिर के अंदर आ ही गए हैं। ये देखो मंदिर का पूरा व्यू। इस छतरपुर मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो आपको भीड़ ज़रूर दिखेगी। और यहाँ पे मेरा भाई लेके आया चुन्नी बांधने के लिए। यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति है और इनके कानों में मन्नत मांगी जाती है। यह है श्री माँ का बैठक कक्ष, मतलब बैठने की जगह है। तो यहाँ पे संत नागपाल बाबा जी की मूर्ति है। सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। मंदिर के अंदर का एरिया ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आई थिंक यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी होता है, बट अभी कुछ हो नहीं रहा है। त्रिशूल भी है और क्या है, और वहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी है। तो चलो चलते हैं। तो ये है दूसरे मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पर कछुए के ऊपर त्रिशूल है शिव जी की, जो बहुत ही बड़ी है। सब बताओ कि इस मंदिर पे इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है। वैसे मैंने सुना है इस मंदिर के अंदर वो रथ रखा गया है। वैसे आप सबको क्या लगता है, क्या है इस मंदिर के अंदर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो अब चलते हैं हनुमान जी के दर्शन लेने। गाइस अब हम लोग आ गए अपना शू लेने, फिर उसके बाद हम जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने। हम लोग आ रहे थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, बट मंदिर का दरवाज़ा बंद है। हम लोगों को नहीं पता ये बंद क्यों है, बट हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन ले लिए हैं। आप सब भी ले लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं घर। और अभी भैया कहाँ जाना था तुझे? अभी जाएंगे पहले भंडारा का देखने। आई थिंक 2 बजे भंडारा ख़त्म हो जाता है। फिर भी चलते हैं। हाँ प्रसाद है, प्रसाद तो ज़रूर खाना चाहिए। तो चलो चलें। अभी तक यहाँ पे भंडारा मिल रहा है, भगवान भी चाहते हैं कि हम यहाँ का प्रसाद खा के जाएं, तो हम भी जा रहे हैं भंडारा लेने। यहाँ पे मिल रहा है भंडारा, तो हम लोगों को मिल गया प्रसाद और हम प्रसाद खा रहे हैं। क्या है प्रसाद में? ये अब खाने दे, खाने दे, हलवा और पूरी। सो गाइज हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अब हम जा रहे हैं घर। आप मेरे इस ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलो चलते हैं घर।